अच्छा ये है भाई, पहले बहुत ज़्यादा अमीर कबीर सईद अलहमदानी यहाँ तशरीफ लाने से पहले यहाँ इस इलाके में पूरा पूरा बुद्धिज़्म था। तो यहाँ सईद अमीर कबीर सईद अलहमदानी ने यहाँ लोगों को क्या इस्लाम का क्या नाम है वो करके क्या इंफॉर्मेशन दे के लोग अभी बाद में इस्लाम हुआ है। तो यहाँ क्या नाम है एज ए बुद्धिस्ट एज क्या नाम है बुद्धिज़्म को यहाँ आके क्या नाम है उनको एक इबादतगाह भी मिल सकते हैं और वो लोग यहाँ आके अपना इबादत भी पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो लोग अपना क्या नाम है वो भी क्या कहते हैं इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं बच्चों के साथ, इजीली आके यहाँ इंटरटेन भी हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही क्या नाम पुरसकून पुरअमन माहौल है। यहाँ पर सब लोग दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे माहौल आप लोगों को प्रोवाइड होंगे, हर जगह पर आप लोगों को गाइडलाइन मिलेगा और जहाँ कहीं भी रहे आप लोगों को पुरअमन तरीके से बिल्कुल क्या अपने घर जैसा माहौल आप लोगों को मुहैया होंगे। इंशाल्लाह चार पाँच दिन रहने का इरादा है। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत तावन कर रहे हैं हमारे साथ और बहुत खुश इखलाक हैं, हमें तो बहुत पसंद आ रहा है। तो इंशाल्लाह अच्छी यादें लेके जाएंगे यहाँ से, उम्मीद है। तो बाकी आप पाकिस्तान के लोगों से दुनिया के लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पे आएँ, देखें, लोगों का इंजॉय करें, नज़ारे इंजॉय करें और जगह बहुत पुरसकून है, मौसम बहुत अच्छा है, नज़ारे बहुत अच्छे हैं और प्लेसेस जो है विज़िट करने की बहुत सारी हैं। अभी तो बहुत सारी ऐसी जो हमें पता भी नहीं है। तो इंशाल्लाह जो जो यहाँ पे मुकामी लोगों से भी गाइडेंस लेंगे और कुछ हमारे साथ गाइड भी हैं वो गाइड करेंगे, तो वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मौका मिला तो फिर आपसे बात होगी।